हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही थी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सामग्री हेतु लेखांकन चैप्टर है उसमें फिफो मेथड समझा रही थी। इससे पहले फिफो मेथड पे दो वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड करी हैं, तो आज हम उसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेवन क्वेश्चन तक हो गया था आप लोग का, एट्थ क्वेश्चन उसके आगे अब हम ले रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। एक निर्माणी संस्था अपने एक उत्पादन के निर्माण में उपयुक्त सामग्री को समय समय पर बड़ी मात्रा में क्रय करती है। 30 जून जो भी डेट हो आपकी बुक में, को समाप्त होने वाले 6 माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न परचेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम लार्ज क्वालिटीज ऑफ कमोडिटी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ परचेज ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड June 30। जो भी डेट हो आपके, जो भी एयरदे रखो आपकी बुक में, तो एक साइड में बता रखा है कि किस डेट में जो है परचेज किया है, यूनिट परचेज का दे रखा है, और साथ में कितने प्राइस पर किया गया है पर 100, उसकी भी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन है, 1/1/2010 को 15,000 इकाइयाँ स्टॉक में थी जिनका मूल्यांकन 9.50 रुपये रुपये प्रति सैकड़ा इकाइयाँ था। देयर वर 15,000 यूनिट्स इन स्टॉक एट January 1, 2010 विच वर वैल्यूड एट ₹9.50 पर 100 यूनिट्स। 6 माह में निर्मित मात्राएं निम्न प्रकार थी, यानी कि जो 6 मंथ में कितना इशू किया गया है उसकी दे रखी है डिटेल, डेट दे रखी है, साथ में कितने यूनिट्स इशू हुए हैं वो दे रखा है। आपको क्या निकालना है, किन मूल्यों पर निर्गमन चार्ज किया जाए तथा अंतिम स्टॉक का मूल्य क्या हो, अपने विचार प्रकट करते हुए स्टोर लेजर खाता तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ फिफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है और ये दिखाना है कि लास्ट में कितना स्टॉक हमारे पास शेष रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा आपका जो पहले के क्वेश्चन में हमने रखा था, डेट का कॉलम, रिसीव का, इशू का और स्टॉक का कॉलम हो जाएगा। डेट में आपकी जो भी डेट्स होंगी इशू की या फिर रिसीव करने की, रिसीव के कॉलम में 3 अंदर कॉलम आ जाएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पर 100 है, फिर आगे मैं इसको समझाती हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, उसके आगे भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी सूचना दे रखी थी इन्फॉर्मेशन की, 1 जैन को उसके पास 15,000 का 15,000 की क्वांटिटी ऑलरेडी थी, तो वो सबसे पहले उसकी एंट्री हम करेंगे 15,000 9.50। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमारा जो 1,425 था वो कैसे आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रेट पर 100, यानी कि यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो 15,000 है अपॉन 100 करना है इंटू 9.50। जितना भी आप सॉल्व करेंगे सब में, आप जितना भी आप सॉल्व करेंगे सब में आपको यही करना है। जैसे यहाँ पर 10,000 है तो वहाँ पर अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 9.50। इसी तरह सारे आपको निकालने होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 15,000 अपॉन 100 इंटू 9.50 कितना आ जाएगा, 1,425। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि जो 25 जनवरी को उसने इशू किया है कितना, 10,000 जो क्वांटिटी थी, 10,000 यूनिट्स थी, उसका इशू किया है कितने पर, वही जो 9.50 था हमारा वही रेट हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में 10,000 अपॉन 100 इंटू 9.50 सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 950। अब यहाँ पर बस कितने बचेंगे, 15,000 थे यूनिट्स, 10,000 इशू कर दिए, कितने बचे बैलेंस में, 5,000 लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम 2 फरवरी को, 2 फरवरी को क्या किया उसने, परचेस किया कितना, 10,000 का परचेस किया है, तो 10,000 हमारा रिसीव के कॉलम में आ जाएगा, कितने रेट पर, 10 पर, 10,000 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, सॉल्व करिए कितना आएगा, 1,000 का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर हम जो बैलेंस होगा वहाँ पर दिखा देंगे, 10,000 10 और 1,000। फिर उसके बाद उसके आगे 28 फरवरी को क्या किया है, इशू किया है, कितना इशू किया है, 8,000 का उसने इशू किया था, तो यहाँ पर पहले हम, क्योंकि फिफो मेथड है, जो 5,000 ये यूनिट हमारे पास बचे थे पहले हम इसको इशू करेंगे, तो 5,000 इंटू 9.50 अपॉन 100 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो आएगा 475। उसके बाद उसके आगे हम 8,000 के इशू करने थे, 5,000 ये निकल गया, अब हमारा 3,000 का आएगा, तो 3,000 बचे हुए हैं, तो वो 3,000 हम किस में से इशू करेंगे, ये जो हमारे 10,000 का जो उसके बाद हमने जो 2 फरवरी को परचेस किया था उसमें से हमें इशू करना है, 3,000 अपॉन 100 इंटू 10, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, अमाउंट के कॉलम में 300 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बैलेंस है बचा, जो हमारे ये वाले तो पूरे इशू ही हो गए हमारे, ये जो 10,000 थे इसमें से ये 3,000 हमारे इशू हो गए, कितने रिमेनिंग हुए, 7,000, तो बैलेंस हमारा बचेगा 7,000 का, 10 रुपीज़ पर
यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 700 का। उसके आगे फिर 15 मार्च को परचेस किया है कितना, 25,000 यूनिट का। कितने पर किया है, 10.50 पर। 25,000/100 × 10.50 डिवाइड करिएगा, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 2,625 अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद जो हमारा बैलेंस में कितना आएगा, जो 25,000 जी हमने और किए थे वो 25,000 का अमाउंट यहाँ पर बैलेंस में दिखा देंगे। उसके बाद आ जाएगा 29 मार्च को कितने इशू किए गए हैं, 25,000 का इशू था, तो 7,000 जो हमारे पहले वाले हैं रिमेनिंग, हम पहले उसको इशू करेंगे एट रुपीज़ 10 पर। उसके बाद अब हमारे कितने बचे, 25,000 में 7,000 लेस कर दीजिए, कितना आया, 18,000। जो 18,000 हमारा होगा वो हम इससे इशू करेंगे, तो यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। कितना रेट था, 10.50, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पर 25,000 था, 18,000 इशू किया, अब रिमेनिंग कितना बचा, 7,000। 7,000 यहाँ पर दिखा देंगे, रेट आ जाएगा 10.50, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा 735 रुपये। 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को उसने परचेस कितना किया है, 20,000 का परचेस किया है क्वांटिटी यूनिट्स का। कितने रेट पर, 9.50 रेट पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करिए 100 से, कितना आ जाएगा, 1,900 अमाउंट में। उसके बाद स्टॉक में कितना आ जाएगा, 20,000 का रेट कितना हो जाएगा, 9.50, फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा अमाउंट में, 1,900। उसके आगे देखेंगे फिर हम कि हमने कितना इशू किया है, कितना इशू करना है हमें, 30 अप्रैल को इशू करना है 20,000 का। तो सबसे पहले जो इशू हो जाएगा वो कितने का होगा, जो मेरे पास पहले से बैलेंस में था 7,000 का, 7,000 सबसे पहले हम इशू करेंगे 10.50 पर। कितना अमाउंट में आएगा, 735। उसके आगे जो हमारे, क्योंकि 20,000 टोटल हमें करना है, 7,000 हमने कर दिया, कितना रिमेनिंग बचा, 13,000 बचा। उस 13,000 को इस 20,000 में से हमें इशू करना है, तो 13,000 हो जाएगा, रेट कितना होगा, 9.50 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,235। उसके बाद अब हमें बस कितने रिमेनिंग बचेंगे, 20,000 में से हमने 30,000 को इशू कर दिया, अब रिमेनिंग बचे 7,000। 7,000 को हम दिखा देंगे यहाँ पर। उसके आगे अब हमारे पास कितना हमने परचेस किया था, 3 मई को हमने कितना परचेस किया है, 15,000 का, रेट क्या था, 9, डिवाइड करिए 100 से, मल्टीप्लाई करिए 9 से, अमाउंट में कितना आएगा, 1,350 आ जाएगा। अब हमें उसके आगे बैलेंस में, स्टॉक में हमें दिखाना है भाई 15,000, 9 पर मल्टीप्लाई करके 1,350 आ जाएगा। फिर 15 मई को हमने क्या किया, कितने का इशू करना था हमें, 18,000 का। तो पहले जो 7,000 रिमेनिंग था उसको हम इशू करेंगे 9.50 पर, अमाउंट कितना आ जाएगा, 665 रुपये। अब हमें क्योंकि 18,000 का करना था, 7,000 हमने इशू कर दिया, अब 11,000 हमें बस बचा, उस 11,000 को किससे इशू करना है, इस 15,000 से इशू करना है। बस इसमें यही ध्यान देना है आपको कि रेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कौन सा इशू करें, कितना बैलेंस बचा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके बाद उसके आगे हमें देखना है, 11,009 रुपीज़ का था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 990 आ जाएगा। कितना हमारे पास स्टॉक में आ जाएगा, 4,000 का, 15,000 था, 11,000 इशू कर दिया। अब ये जो 4,000 का रिमेनिंग बचा था ये आपका जो है स्टॉक में आ जाएगा, और 9 इसका जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके 360 आ जाएगा अमाउंट में। उसके बाद 1 जून को कितना परचेस किया गया, 12,000 का, कितने पर, रेट पर, 9 पर। तो 12,000/100 × 9 कितना आ जाएगा अमाउंट में, 1,080 आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि कब हमने इशू किया था, तो 29 जून को हमने इशू किया है। उसके बाद जो 15,000 हमको इशू करने हैं, तो पहले 4,000 जो हम इशू करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में था पहले, उसको इशू करेंगे 9 रुपीज़ पर। अब कितने रिमेनिंग बचे, 11,000। तो 11,000 हमें किसमें से इशू करने हैं, जो 12,000 है हमारा इसमें से हमें इशू करना है 11,000 9 पर यूनिट पर। जो इसका रेट होगा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 990 आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। अब कितना हमारे पास रिमेनिंग बचा, 12,000 थे, 11 हमने क्या किए, इशू कर दिए, 1,000 क्या बचा हमारे पास स्टॉक में आ गया 9 रुपीज़ पर। उसके आगे जो क्वेश्चन है, 20 जुलाई को हमारा परचेसेस दे रखा था, उसे हम इसमें नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे इस एस्ट्रोलॉजर में, क्योंकि हमें कहाँ तक बनाना था, 30 जून तक ही बनाना था, जो हमारा वर्ष समाप्त हो रहा था 30 जून को समाप्त हो रहा था। तो आगे जुलाई का जो है वो नेक्स्ट वाले जो हम नया एस्ट्रोलॉजर अकाउंट बनाएंगे जुलाई के लिए, वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर का जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितना होगा, तो जो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बचा है, यहाँ पर जो 12,000 था, 11,000 हमने यहाँ पे इशू कर दिया था, अब रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा था, जो हमारा ये 1,000 होगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, रेट इसका 9 हो जाएगा और अमाउंट में 90 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।